रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा हो ना, जब वो हमें छोड़ के जाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। वीडियो के अंत तक जरूर देखना, आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, इंसाफ कर। कॉफी क्या कर रहे हो लैपटॉप में? बस 2 साल पुरानी पिक्स देख रहा था गूगल ड्राइव में। वो भी क्या दिन थे यार हमारे गांव के। हाँ यार, अगर हमारे माँ बाप शादी के लिए मान गए होते तो हम भी आज अपने गांव में होते। हाँ यार, बट क्या करें, तुम्हारे पापा जिद्दी, अगर मैं तुम्हें भगा के नहीं लाता ना तो तुम्हारे पापा मुझे गोली मार देते। अच्छा सुनो रुस्तम, 4 साल हो गए हमारी शादी को, हम कब मम्मी पापा बनेंगे? मुझे लगता है हमें चेकअप करवा लेना चाहिए, क्या कहते हो? ठीक है यार, एक काम करेंगे, कल जॉब से आते टाइम ना डॉक्टर शर्मा से मिलके चेकअप करवाते आएंगे, ठीक है? हाँ, और जब हमारा बेबी आएगा ना तो हम उसे लेके अपने गांव जाएंगे, तब पापा उसको देख के बहुत खुश होंगे और वो मान भी जाएंगे। हाँ यार, तुम सही बोल रही हो, और मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे अपने पोती को देख के, और क्या पता वो मुझे माफ़ कर दे जो मैंने किया। हाँ यार। हाँ, और उसका नाम हम खुशी रखेंगे। लेकिन अगर लड़का हुआ तो? नहीं, मुझे पता है लड़की ही होगी। नहीं, लड़का ही होगा। नहीं, लड़की होगी। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एक लड़का और एक लड़की, हम दो हमारे दो, अब ठीक है? हाँ ये ठीक है। तेरे नाल चलिए हसीन कोई ना, तारे चन अंबर जमीन कोई ना, मैं जादू तेरे मोड़े उते सिर रखिया, ऐ तू सच्ची समा। रुस्तम, मैंने ब्रेकफास्ट और लंच पैक कर दिया है और मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, तुम कब निकल रहे हो? बस एक फाइल मेल करनी है, फिर थोड़ी देर में निकलता हूँ मैं भी। और हाँ, ऑफिस से आते टाइम डॉक्टर शर्मा से मिलते आना। ओके ठीक है, ओके बाय, आराम से जाना ठीक है। रुस्तम क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो? बस यार ऐसी। अच्छा, तुम्हें ऑफिस में किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं यार, बस ऐसे थोड़ा मूड ऑफ है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी, आज डिनर करने बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है बाहर जाने का। प्लीज रुस्तम। अच्छा ठीक है। खाना कितना टेस्टी था ना मोहित। मोहित ये कौन है? अच्छा मोहित ना मेरे ऑफिस का एक कलीग है, तो रोज उसे फाइल्स लेनी देनी होती हैं, तो उस वजह से जुबान भी नाम आ गया बस। ओके ठीक है। यार ऑफिस से कितनी जल्दी आ गया, एक काम करता हूँ शिखा को भी लेता हूँ चलता हूँ।
हेलो शिखा, तुमने मुझे ऑफिस के बाहर मिलो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं रुस्तम, मुझे लेट हो जाएगा, तुम चले जाओ। बट मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। इसको क्या हो गया यार? कैसी है दूरियां, कोई हल ही नहीं। आज भी तू आया ना, कल भी नहीं। चिट्ठियां भी पाया मैं, तू तो पढ़िया ही नहीं। कादा है मिलना, जे गला करिया ही नहीं। सोच सोच दिन मुक जांदे वे तेरे लारे। शिखा। हाँ, कहां पे थी तुम? ऑफिस में थी, और कहां। देखो, झूठ मत बोलो मेरे से। मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा था पिज्जा खाते हुए। अरे वो क्लाइंट आने वाले थे, हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। तो मेरे से झूठ क्यों बोला? सच हुई तो बता सकती थी ना। अरे रुस्तम, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो मैंने सोचा तुम खामखा परेशान हो जाओगे, और मैं ऑफिस से भी तो कितनी दूर थी। इंसान ना दो रीजनों से झूठ बोलता है, या तो उसके अंदर कोई खोट हो, या फिर सामने वाले पे भरोसा नहीं। अच्छा सॉरी ना, आगे से पक्का सच बताऊंगे। ओके ठीक है, और एक बात याद रखना शिखा, झूठ की रफ्तार कितनी भी तेज हो, बट सच को कभी नहीं हरा सकती। आ गए तुम? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है? ओके ठीक है। शिखा, शिखा क्या हो रुस्तम? यार तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मेरे को बताया नहीं। आज तो बड़ी खुशी का दिन है यार। एक काम करो, तुम ना ऑफिस की छुट्टी ले लो, और ना अब से तुम कोई भी काम नहीं करोगी, बस तुम आराम करो, बाकी सारे काम मैं देख लूंगा, ठीक है? रुस्तम, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये मुझे पहले से ही पता था कि ये मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि ना मैं कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे हाइपोस्पोमिया करके बीमारी है। मुझे डॉक्टर ने बताया था, मैं तो बस देखना चाहता था तुम कितना गिर सकती हो। रुस्तम, ये तुम्हारी रिपोर्ट, तुम्हें हाइपोस्पोमिया है। हाइपोस्पोमिया? ये क्या होता है डॉक्टर? तुम कभी बाप नहीं बन सकते। रुस्तम, ये मुझे पहले से पता था, क्योंकि उस दिन मैं ड्रॉअर में कुछ ढूंढ रही थी तो मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी। देखो रुस्तम, मुझे बच्चा चाहिए था, और मैं पूरी जिंदगी ऐसी नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। क्या हुआ यार, तुम रो क्यों रही हो? तो क्या पूरी जिंदगी बिना बच्चे की गुजारोगी? देखो यार शिखा, बिना बच्चे के पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, उसे डिवोर्स दे दो। तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। हो, अब समझ में आया मुझे। अगर बच्चा ही चाहिए था तो अडॉप्ट भी तो करा सकते थे,
या जिनके बच्चे नहीं होते उनकी बीबियां किसी और के साथ सो जाती है। रुस्तम, माइंड योर लैंग्वेज। तुझे तो पता था ना यार, मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ। तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया यार, अपने माँ बाप को छोड़ के आया और अपना गांव छोड़ के आया सिर्फ तेरे लिए, और तूने, इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, आज उसी ने मुझे छोड़ दिया। सही बोला था तेरे बाप ने, क्यों मेरी नहीं हुई तो तेरी कहां से होगी। पर रुस्तम, निकल जा मेरी नजरों के सामने से, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर।